Meet Ram Babu. Ram Babu is a retail vegetable vendor. He has his own shop in the city market. He buys his stock from the wholesale vegetable market across the city. One day, he went to the wholesale market to buy 50 kgs of potatoes. He bought them at 35 rupees per kg. Later that day, a customer came to his shop to buy potatoes. He sold him 1 kilogram potato for 45 rupees. Then his brother-in-law came there to buy 3 kilogram potatoes. Because Ram Babu was related to him, he gave him 3 kg potatoes at 34 rupees per kg. By the time he was closing his shop, a woman visited to buy 7 kilograms potatoes. She was offered the same price of 45 rupees by Ram Babu. But the woman bargained. She convinced Ram Babu that because she is buying potatoes in large quantity, he should give her a sizable discount. Ram Babu ended up selling potatoes at 35 rupees per kg. चलिए अब इस स्टोरी के पीछे का मैथ समझ लेते हैं। राम बाबू ने 1 केजी पोटेटो खरीदे 35 रुपीस में। Now this price is called the cost price, क्योंकि 1 केजी पोटेटो खरीदने में उनका खर्चा 35 रुपीस तो हुआ था। अब ये हैं वो प्राइसेस जिस पे राम बाबू ने 1 केजी पोटेटो सेल किए 3 अलग कस्टमर्स को। अब पहले कस्टमर ने राम बाबू से 1 केजी पोटेटो खरीदे 45 रुपीस में। ऐसे सिचुएशन में राम बाबू को तो फायदा हुआ, राइट? दिस फायदा इज एक्चुअली कॉल्ड प्रॉफिट। राम बाबू ने 45 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 10 रुपीस का फायदा किया, या फिर हम कहेंगे तो प्रॉफिट किया। अब सेकेंड कस्टमर जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने 1 केजी पोटेटो खरीदा 34 रुपीस में, जबकि कॉस्ट प्राइस तो 35 थी। इस केस में इसलिए राम बाबू को 1 रुपीस का लॉस हुआ। फाइनली द थर्ड कस्टमर, the woman, she bought 1 kg potato at 35 rupees. अब यही तो cost price थी। ऐसे situation में राम बाबू को ना कोई फायदा हुआ, ना कोई नुकसान। ऐसे situation को हम break-even situation कहते हैं, जहाँ पे ना ही profit होता है और ना ही loss होता है। अब हमने profit, loss, break-even इन सारे concepts को absolute terms में तो देख लिया, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे इनको percentages में express करें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। चलिए देखते हैं इसी वेजिटेबल वाले एग्जाम्पल में हम परसेंटेजेस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। चलिए इसको समझते हैं हमारे वेजिटेबल वाले एग्जाम्पल से। इन द फर्स्ट केस, जहां पे कस्टमर वन ने 45 रुपीज पे किए, उस केस में राम बाबू ने 10 रुपीज का प्रॉफिट कमाया और कॉस्ट प्राइस तो 35 था। So the profit percentage will be 10 by 35 into 100%, which is equal to 28.5% approximately. अब second customer की बात करें तो हमें वहां पे 1 rupees का loss हुआ था और cost price तो अभी भी 35 है। So the loss percentage will be 1 divided by 35 into 100%, which is 2.85% approximately. Finally, अगर third customer की बात करें तो ना ही हमें उसमें प्रॉफिट हुआ था, ना ही कोई लॉस हुआ था। सो वी कैन से दैट देयर इज अ 0% प्रॉफिट और लॉस इन दैट सिचुएशन। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज परसेंटेजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन।